नवंबर का महीना चल रहा है लेकिन ठंडी का नामो निशान नहीं है मुंबई में, और सूरज सर पे चढ़ा है। दोपहर के 1 बज रहे हैं, संडे का दिन था, तो सोचा क्यों ना कहीं पे ट्रैवल करके थोड़ा सा व्लॉग दिया जाए। काफ़ी टाइम से कंटेंट भी नहीं आया था चैनल में, तो उसी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं भाई। फिलहाल हम लोग हैं हाजी मलंग रोड में, ऑन आर वे टू हाजी मलंगगढ़। यहाँ पर एक दरगाह है, सो और काफ़ी सारा जो है यहाँ पे मज़ा आने वाला है, बिकॉज ट्रैकिंग होने वाली है। और भाई हम 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अक्सर लोग रिश्ते बनाने के चक्कर में अपने रिश्तों को ही खो देते हैं, सोचना इस बारे में। इट्स डीप। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। रोड ट्रिप थी, बाइक से गए और करीबन 25 मिनट में पहुंच गए। बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक लगा था 2-4 मिनट का, बट वो यूजुअल है और मुंबई से थोड़ा सा सबर्बन है, तो चलो ठीक है, ट्रैफिक को इग्नोर करते हैं। हम पहुंच गए, बीच में कुछ फोटोशूट किया हमने। जो पहाड़ दिख रहा है ना, यहीं पे जाना है सीधा सामने। और भाई जो नज़ारा है ना यार, कमाल का है, लिटरली कमाल का नज़ारा है। ये देख सकते हैं आप भाई, रोड चकाचक एकदम। नॉइस पोल्यूशन करके निकल गया। और भाई ये पब्लिक है अपने साथ, हाय तो बोल दो। और जो नज़ारे थे रास्ता कमाल का था देखने में, काफी मजा आया। अच्छे से हम गए, हमने सारी चीजें एंजॉय की। हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, पहला कि हम जो है नॉर्मल सीढ़ियों से जा सकते थे, जो कि नॉर्मल रास्ता था जिससे हर कोई ट्रैक करता है, तो वहां से हम हाजी मलंग दरगाह यानी कि पहाड़ के जो मतलब माउंटेन के ऊपर है वहां तक जाने के लिए हमारे पास ऑप्शन था सीढ़ियों से, जो कि सीढ़ियां माउंटेन के चारों तरफ से घूम घूम के रास्ता बनाया गया है जहां से यूजुअली पब्लिक जाती है। तो गाइस श्री मलंगगढ़ तक हम लोग पहुंच गए। नो ऑफेंस टू रिलीजन, बट कुछ लोग इसे श्री मलंगगढ़ कहते हैं, कुछ लोग हाजी मलंग कहते हैं। आई डोंट नो एक्चुअली में क्या है इसका नाम, बट जो भी है हमें ट्रैकिंग से मतलब है, तो हम ट्रैकिंग करने आए हैं। वैसे जगह में पहुंच गए, बट कंफ्यूजन है कि ट्रैकिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, वो अब आगे चल के देखते हैं कहाँ से क्या करना है कैसे करना है। और 2-3 रास्ते, एक तो सीढ़ियों से रास्ता है जो कि काफ़ी लंबा लग रहा है, तो हमने सोचा है कि बैक एंड से जाने की कोशिश करते हैं। अब यही वो रास्ता है बैक एंड से जाने का, यहाँ से प्लान है, तो लेट्स सी यहाँ से पहुँच पाते हैं कि नहीं। वैसे जाना टॉप में है एकदम वहाँ तक, तो इस रास्ते से होकर के जाने का प्लान है कहीं यहाँ पर। लेट्स सी कैसे क्या पहुँचते हैं। दूसरा ऑप्शन था कि हम जो है बैक एंड से जा सकते थे, जो सीधा सीधा था, हम चढ़ सकते थे, पर वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था प्रॉपरली, हमें पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा, कोई सीढ़ियाँ नहीं थी। तो हमने क्या चूज़ किया, यू गेस्ड इट राइट, सेकेंड ऑप्शन, जिसमें हमको सीधे सीधे जाना था क्योंकि डिस्टेंस कम थी। डिस्कवरी में वो जो शो नहीं आता, कौन सा नाम पता नहीं, अरे वो मैन वर्सेस वाइल्ड क्या, बियर ग्रिल्स भाई, खतरनाक रास्ता है। तो क्या बोल रहे थे, मैन वर्सेस वाइल्ड का क्या? हाँ तो उसको देखते हो क्या? हाँ कभी कभी देख लेता हूँ मैं, अच्छा रहता है ना, वो जंगल का दिखाता है। तो हम लोग भी सांप पकड़े क्या यहाँ? हाँ चलो ढूंढते हैं, लेकिन हमारे साथ उल्टा होगा, सांप हमको खा जाएगा। नहीं 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 चलो ढूंढते हैं कहीं ना कहीं, वो सांप को खाता है, यहाँ पे सांप हमको खा जाएगा। तो थोड़ा सा चेंजिंग हो गया ना, देख रहे हो भाई साहब रास्ता कितना खतरनाक है, कैमरे को भी नहीं दिख रहा है। लेकिन थकावट भरा रास्ता था और यहीं पे हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने स्टार्ट किया ट्रिप, स्टार्टिंग में हमने आधा पहाड़ खुशी खुशी चढ़ लिया, फिर आधा चढ़ने के बाद रुक रुक के थोड़ा थोड़ा ऊपर गए। वो दिख रहा है वहाँ तक जाना है, और आधा रास्ता भाई साहब हमने तय कर लिया है। ये हमारे हैं ना प्रोटीन शेक वाले, भाई साहब ने छुपा लिया अपना प्रोटीन शेक। तो गाइस आधा रास्ता चढ़ लिया है यार, और हालत ख़राब हो गई पैंट की नहीं सॉरी पैरों की, और पता नहीं ऊपर तक कैसे जाएंगे। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है ट्रैकिंग का, आज पता चल रहा है कि पहाड़ सिर्फ देखने में ही अच्छे लगते हैं, दूर से वो भी। लेकिन जब हम करीब करीब 70% करने के बाद हमारी हालत खराब हो गई। मामा यहाँ पे बैठे क्यों हो आप? तुम्हारे चक्कर में। मैंने क्या किया? ऊपर नहीं जा रहे। अरे आया, और एक्चुअली प्रॉब्लम मेरा था, मुझे थोड़ा सा माइग्रेन होना शुरू हो गया और वहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। आपको मैंने ये बात बताना भूल गया शायद कि महीना चल रहा है नवंबर का, लेकिन ठंडी का नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी मुंबई में। आपको सुबह और शाम को या रात में जो टेम्परेचर का जो ठंडी का माहौल होगा वहाँ पर आपको 20 डिग्री 21 डिग्री मिलेगा, उसके अलावा किसी भी टाइम आपको 30 डिग्री के नीचे नहीं मिलेगा।
तो वो थोड़ा सा इशू है, और बारिश भी काफ़ी जल्दी खत्म हो गई इस बार, तो गर्मी की वजह से भी थोड़ा माइग्रेन हुआ और फिर मतलब हालत ख़राब हो गई। फिर हमने रियलाइज़ कर लिया कि अब हम ऊपर नहीं जा सकते। फिर हम नीचे आने लगे, नीचे आते आते हमारे एक फ्रेंड की, हमारा जो एक पार्टनर था, उसके पैर में चोट भी लग गई, एक बार गिरा वो। तो काफ़ी सारी दिक्कतों को सामना करते करते फिर हम नीचे आ गए। नज़ारा काफ़ी अच्छा था, ऊपर जो मज़ा आया वो बता नहीं सकते, आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हो। दुख रहा है मेरा थोड़ा सा, और पेट भी दुखने लग गया, तो मन नहीं कर रहा ऊपर जाने का। मालूम ऊपर जाके पता चला बीमार हो गया, तो लुढ़कते लुढ़कते आना पड़ेगा। उससे अच्छा आधे रास्ते से ही वापस निकल लेते हैं। तो अगर आप हाजी मलंग के लिए जा रहे हो, कल्याण बस स्टॉप है कल्याण स्टेशन के सामने, वहाँ से आप बस पकड़ के मलंगगढ़ तक जा सकते हो, वहाँ से आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, आपको टैक्सीज वगैरह मिल जाती हैं, वो पकड़ सकते हो आप, या फिर आप अपने खुद के ओन व्हीकल से आ सकते हो। तो ये दो तीन ऑप्शन है, और सबसे अच्छा ऑप्शन मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप बाइक है आपके पास, दो तीन फ्रेंड्स हैं, आप बाइक से रोड ट्रिप करो, मज़ा आएगा, क्योंकि नज़ारे आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, माहौल काफ़ी अच्छा है। तो ये ऑप्शन है। दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप वहाँ पर जाने के बाद पार्किंग के कुछ चार्जेस लगते हैं। बाइक पार्किंग तो फ्री है शायद, लेकिन कार पार्किंग के चार्जेस लगते हैं 200-300। जो हमने गलती किया वो आपको नहीं करना है, आपको पीछे के रास्ते से नहीं जाना है, आपको नॉर्मली सीढ़ियों के रास्ते से जाना है। आप जाओगे, पब्लिक रहेगी, अच्छा मज़ा आएगा। जो पीछे का रास्ता है वहाँ से यूजुअली कोई जाता नहीं है, तो खाली रास्ता पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप नेचर को इन्जॉय करना चाहते हो तो आप वहाँ से जा सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि आप नेचर के बीच से जा रहे हो, पहाड़ पेड़ पौधों के बीच से जा रहे हो, वो मज़ा आएगा। लेकिन उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आप उस हिसाब से जाओ, बट हम रेकमेंड करेंगे कि आप सीढ़ियों पे जाओ, वहाँ पे मज़ा आएगा। आप ऊपर से व्यू को जो एंजॉय कर पाओगे वो अलग ही मज़ा है, और हमने भी काफ़ी कुछ एंजॉय किया। फाइनली नीचे आ गए, वापस भी आ गए घर पे। सो यही ट्रैक थी, बट कुछ बातें करनी थी आपसे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप सभी को बधाइयाँ बहुत बहुत, हमारे 5400 सब्सक्राइबर्स हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप लोगों ने ही की है, आप लोगों की वजह से हमारे इतने सब्सक्राइबर्स पहुँच पाए। और होपफुली जल्दी हम 10,000 और 50,000, धीरे धीरे हम इस साल के एंड तक अगर हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपका जॉब है, आपको वीडियो को शेयर करनी है, अपने दोस्तों को बताना है। जल्दी एक प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू मैं आप लोगों से हेल्प चाहता हूँ। अभी जो स्क्रीन पे आपके सामने एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही होगी, आपको इस ईमेल आईडी पर एक मेल भेजना है। क्या भेजना है आपको, मैं बताता हूँ। आपको अपना फ़ोन उठाना है, अगर आप ईयरफोन यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा है, ऑडियो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। आपको करना है बेसिकली एक वीडियो रिकॉर्ड, आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बस इतना बोलना है, हेलो गाइज वेलकम टू द हितेक निर्मल यूट्यूब चैनल, इतना आपको बोलना है, हेलो गाइज वेलकम टू हितेक निर्मल यूट्यूब चैनल। उसके बाद आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो बोल सकते हो, कुछ भी बोलिए। जितने लोग भेजेंगे अगली वीडियो में सबसे पहले आपका लगाया जाएगा, अगर एक से ज़्यादा आते हैं तो डेफिनेटली अगली एक एक वीडियो में लगाया जाएगा आप सभी का। आप भेजिए, अगली जो भी हमारी वीडियो आएगी वीडियो के स्टार्टिंग में आपका वीडियो चलेगा। आपको बस इतना ही करना है, आपको एक वीडियो भेजना है अगर आप चाहते हो तो, नो कंपल्शन, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आप चाहते हो तो आप भेज सकते हो। मुझे बेहद खुशी होगी कि आप इंगेज हो रहे हो हमारे साथ। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं यूट्यूब पे आऊँ, तो आप भी आओ, हमारी फैमिली है, हम सब साथ में ग्रो करेंगे, तो आप आओ हमारे चैनल पर, आप दिखो। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो जानना चाहते हैं, एक वीडियो बना के भेज सकते हैं। अगर आप भेजोगे मुझे पर्सनली खुद काफ़ी अच्छा लगेगा, और जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, पहले जो भेजेगा उसका वीडियो अगली वीडियो में आ जाएगा, उसका वीडियो अगली वीडियो को स्टार्टिंग में मैं लगा दूंगा। तो इस तरह से कुछ हम ग्रो करने का प्लान है, और मैं चाहता हूँ आप लोग हम सब मिलकर एक फैमिली की तरफ ग्रो करें, आप भी हमारे साथ रहो। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना, और इस नए प्रोजेक्ट को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप लोग होंगे नहीं पता नहीं, बट लाइक कर देना इस प्रोजेक्ट के लिए, लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस कर देना, नहीं किया है तो भी कर दो, पहली बार कर रहे हो तो भी कर दो, और कोई क्वेश्चन हो कुछ भी हो तो कमेंट करके बताना। और हाँ, अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हो, मुंबई के अराउंड क्या देखना चाहते हो आप, उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दिखाने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। व्लॉग बनाएंगे, रोस्टिंग में अगर आप कुछ देखना चाहते हो वो भी बताओ, जो भी बताओगे सब बनाएंगे, क्योंकि एंटरटेन करना ही तो हमारा काम है। दैट्स इट, बाय बाय, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।